नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। आज हम आपको बताएंगे कि चार तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने वजन को घटा सकते हैं। जी हां, चार तरीकों से सीढ़ियों का उपयोग करके खेल खेल में घटाएं शरीर का फैट। हमारे पास आपके लिए कुछ वर्कआउट है जो उस फैट बर्न करने में मददगार है। वजन कम करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करने से बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ आश्चर्यजनक वजन घटाने वाले व्यायाम हैं। जी हाँ, इन चार तरीकों से सीढ़ियों का उपयोग करके खेल खेल में अपने शरीर का वजन। अगर आप कुछ वजन घटाने के अभ्यासों की तलाश कर रहे हैं तो एक अच्छी पुरानी सीढ़ी कसरत से बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ आपको सभी जानना आवश्यक है। यहाँ आपके लिए कुछ वर्कआउट है जो उस फैट बर्न कर सकता है। खास बातें आइए जानते हैं। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कुछ वर्कआउट हैं जो इस फैट बर्न करने में मददगार हैं। वजन कम करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करने से बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ आश्चर्यजनक वजन घटाने वाले व्यायाम हैं। आइए जानते हैं। फिटनेस आज हर किसी की दिमाग में है, और जबकि वजन कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ आपकी जेब पर बहुत भारी साबित होते हैं, निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कुछ वर्कआउट्स हैं जो उस फैट को पिघलाने के लिए कारगर हैं और आपको कुछ ही समय में असर दिखने लग सकता है। चलना ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा है क्योंकि ये आसान और सुविधाजनक है, लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी कसरत को रिवाइज करना चाहें। वैसे सीढ़ी का उपयोग करने से बेहतर कुछ नहीं है। एक सीढ़ी कसरत आपको न केवल वजन घटाने में मदद करती है बल्कि आपके निचले शरीर को भी मजबूत करती है। ये आपके दिल की दर को बढ़ाता है, फैट को बर्न करता है, आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और आपके कोर को मजबूत करता है। इसलिए हम पर भरोसा करें और सीढ़ियों पर हफिंग और पफिंग करना पूरी तरह से इसके लायक है। अपने वजन घटाने को खेल खेल में घटाने के लिए हमारे पास कुछ आश्चर्यजनक वजन घटाने वाले व्यायाम हैं जिनमें सीढ़ियों का उपयोग करना शामिल है और बिगनर्स लोगों के लिए भी आदर्श है। वजन घटाने के लिए कारगर एक्सरसाइज। स्टेप बाय स्टेप आप जानिए। पहला अभ्यास है और ये निश्चित रूप से आपके शरीर को गर्म करने वाला है। इससे पहले कि आप अपनी कसरत की तीव्रता को रिवाइज करें, इसमें कई बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना है। आप धीमी गति से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर आरामदायक होता है, सर्वोत्तम परिणाम देखने की गति बढ़ा सकते हैं। ये आपके दिल की दर को कम नहीं कर सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि आपके पैर की मांसपेशियों पर सबसे अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। आप दिन में 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने ग्लूट्स पर थोड़ा और काम करने के लिए ऊपर जाते ही हर दूसरी सीढ़ी को छोड़ें। अपनी एड़ी के माध्यम से दबाएं और अपने ग्लूट्स को निचोड़ें जैसे ही आप अगले कदम पर खड़े होते हैं। अब जानते हैं बेरिड पेसिंग। जी हाँ, अपनी पीठ और कंधों को सीधा रखते हुए और सीधे आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ने से शुरू करें, फिर नीचे चलें और इसे कम से कम 3 बार दोहराएं। अपना अधिकांश वजन अपनी एड़ी पर रखें ताकि आपके घुटनों के बजाय आपके ग्लूट्स को जलन महसूस हो। ऐसा कम से कम 3 बार करें। ऐसा करने से आप अधिक कैलोरी बर्न करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए ये कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है। अब जानते हैं रिवर्स लंज। जी हाँ, दूसरे स्टेप पर अपने बाएं पैर के साथ सीढ़ियों का सामना करें और आपका दाहिना पैर फर्श पर आपके पीछे होना चाहिए। अपने दाहिने घुटने को अपनी छाती पर उठाएं और फिर जल्दी से प्रारंभिक स्थिति में वापस जाएं। अगला, अपने बाएं पैर के साथ फर्श पर कदम रखें, इसे अपने दाहिने हिस्से के पीछे रखें और फिर एक लंज करें। वापस कदम उठाएं, अपने बाएं घुटने को छाती तक उठाएं और प्रारंभिक स्थिति में लौटें। आज के वर्कआउट का आखिरी और प्रभावशाली टिप्स। जी हाँ, ट्राइसेप्स सीढ़ी टिप। दूसरे या तीसरे स्टेप के किनारे पर बैठें और साइड में अपनी आर्म्स को रखें। अपनी हथेलियों को दबाएं और अपने नितंब को स्टेप से थोड़ा ऊपर उठाएं
और अपने पैरों को बढ़ाएं। फर्श पर अपनी एड़ी को आराम दें। धीरे धीरे 90 डिग्री पर अपनी बाहों को झुकाकर अपने पीछे को कम करना शुरू करें। प्रारंभिक स्थिति पर वापस जाएं। इसे एक पुनरावृत्ति के रूप में गिना जा सकता है। अगर आप कमर दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो ये वेट लॉस एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है।